आप सभी गांव वालों को सूचित किया जाता है कि रवि प्रकाश पुत्र राधे श्याम यादव निवासी रामगढ़ जिबली, कमलेश यादव पुत्र राम प्रसाद यादव निवासी रामगढ़ जिबली, शुभम शुक्ला पुत्र विनोद शुक्ला निवासी रामगढ़ जिबली, रमेश पुत्र ईश्वर देव यादव निवासी रामगढ़ जिबली, विजय कुमार विश्वकर्मा पुत्र अमरजीत विश्वकर्मा निवासी रामगढ़ जिबली, जय हिंद पुत्र मजनू यादव निवासी रामगढ़ जिबली। ये अपराधी हैं जिन्होंने अपराध जघन्य अपराध कारित किया है। इनमें किसी भी प्रकार की मदद अगर कोई व्यक्ति या ग्राम सभावासी करेंगे, यदि ये उपस्थित नहीं होंगे तो इनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, दिनांक 29 तारीख को थाना जयपुर क्षेत्र में एक गैंग रेप की घटना हुई थी और उसमें पुलिस ने मुकदमा लिख करके तत्काल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली थी। उसमें 5 अभियुक्त शेष थे जिनकी गिरफ्तारी आज कल से लेकर के आज तक की गई। गिरफ्तारी के समय क्या पुलिस बुलडोजर लेकर गई थी? पुलिस ने जब उन अभियुक्त लोगों के लिए दबिश डालने का प्लान किया तो उनकी जानकारी में आया कि अभियुक्त जो हैं वो एक ही गांव के रहने वाले हैं और एक ही कम्युनिटी के हैं और उन्होंने अपने अपने को बचाने के लिए अपने घर के आगे एक बैरिकेडिंग सी लगा रखी थी। उसको देखने के लिए, उससे निपटने के लिए पुलिस ने एक JCB अपने साथ लेकर के दबिश में गई और उस JCB के प्रभाव से उसका परिणाम ये रहा कि सारे अभियुक्तों ने 12 घंटे के अंदर उनके जो परिजन थे वो खुद ही लेके उनको थाने में पहुंच गए और उनको वहाँ पुलिस के हवाले कर दिया।